आज मैं आपको बता रही हूँ एक स्टाइलिश कुर्ती। तो ये देखिए कपड़ा मेरा 2.5 मीटर है, लेकिन ये इसमें दोनों तरफ इस तरह बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये बॉर्डर मुझे इसमें ही यूज़ करना है, ये मैं इसके गले में और नीचे दामन में स्लीव्स के अंदर इनमें यूज़ करूँगी। तो पहले मैं इसको निकाल के सेपरेट कर लेती हूँ। अब देखिए मुझे दामन इसका ए लाइन रखना है और ये स्मॉल साइज़ का होगा मेरा, तो मैं दामन की चौड़ाई यहाँ से 26 इंच पे निकालूंगी। लंबाई मुझे इसकी 36 रखनी है, तो मैं इसकी लूंगी 38। देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों सेपरेट कर लिए। अब हम इसको इस तरह तय करेंगे। अब देखिए ये शोल्डर रख ली मैं 7.5, तैयार मेरा शोल्डर आएगा 14 इंच, यानी मैं अभी 15 रखूँगी। 15 का हाथ 7.5 होगा, तो यहाँ 7.5 पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं, मोंडे का निशान लगाना है तो मैं ये लगाऊंगी 7 इंच पे। फिर चेस्ट पे आ जाएंगे हम, ये हमें रखना है 11 इंच। जहाँ हमारा मुंडा ख़त्म हो रहा है यहीं से हमारा चेस्ट शुरू हो जाता है। हमने यहाँ निशान लगाया। अब ये हमारे पास बॉक्स बन गया है, अब इसको हम शेप दे देंगे। अब ये देखें यहाँ से 1/2 इंच का मैं गहरा रखूँगी, ये 1/2 इंच की यहाँ पे ये कटिंग दूंगी। अब उसके बाद हमें कमर की लंबाई नापनी है, तो कमर हमारी आएगी 7 इंच पे। तो 7 इंच पे पहले मैंने लंबाई के लिए निशान लगाया, अब मैं इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो मुझे ये रखनी है 10 इंच। ये 10 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को इससे मिला दूंगी मैं। अब ए लाइन रखनी है, तो ए लाइन के लिए मुझे शेप देना है, तो मैं यहाँ से रखूंगी, यहाँ से मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये देखिए मेरा फ्रंट साइड है, तो मैं इसमें गले का निशान लगाना बता रही हूँ, लेकिन गला इसके अंदर जो मैं बना रही हूँ वो है वी नेक, या इसको चाइनीज़ नेक भी बोल सकते हैं, फ्लैट वी नेक भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे पहले हम निशान लगाने, हमारा जो साइज़ है वो है तकरीबन 6 इंच, लेकिन यहाँ पे जो मैं पट्टी यूज़ करूँगी, ये कढ़ाई वाली पट्टी है मेरी जो मैंने इसमें से निकाली थी, इसी को यूज़ करना है। तो ये पट्टी मेरी आ रही है 7 इंच की, तो यहाँ से फिर मुझे 1 इंच और ये कम करना होगा, यानी ये टोटल आ रहा है हमारा 4.5 इंच, तकरीबन 4.5 इंच हम यहाँ से लेंगे। और अब यहाँ से भी 1 इंच ही कम करना है मुझे, यानी 7 इंच मेरी गले की लेंथ है ये, तो 1 इंच ही मैं यहाँ से कम करूँगी। अब ये वाला नहीं, ये वाला निशान जो है हमारा, हम यहाँ ऐसे निशान लगाएंगे, और ये जो बीच का सेंटर का हिस्सा आएगा ये हम 7 इंच का हाफ कर लेंगे। 7 इंच का हाफ हमारा जितना भी आएगा उसी तरह हम रखेंगे, यानी 1/4 इंच आएगा हमारे पास ये, तो 1/4 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और ये चॉइस है आपकी, जितना आप लंबा रखना चाहो, लेकिन मैं रख रही हूँ इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 10 इंच लंबाई इसकी, तो यहाँ पे 10 इंच पे हम इस तरह निशान लगाएंगे। अब इसको इससे मिला देंगे। अब यहाँ से ये पूरा हम इसको निकाल लेंगे कटिंग करके। यहाँ पे एक इस तरह कट लगा देंगे जिसकी हमें सिलाई लेनी है। अब देखें ये वाला कपड़ा जो है मैं आस्तीन के लिए यूज़ करूँगी, तो पहले मैं इसका बॉर्डर निकाल दूँगी। ये अब देखें ये आस्तीन में बना रही हूँ 3/4, और यहाँ मैं आगे इसके अंदर इस बॉर्डर को यूज़ करूँगी, इसमें आगे मैं बॉर्डर को यूज़ करूँगी। और ये लंबाई मेरी आ रही है, अभी लंबाई आ रही है हमारी अभी 16 इंच, तो 2 इंच का बॉर्डर लगेगा, तो 18 इंच की 3/4 आस्तीन हमारी सही आएगी। देखिए मैंने यहाँ निशान लगाया, अब इस तरह से निशान डालूंगी, उसको फिर मैं शेप दे दूंगी। यहाँ पे कट लगा लें सेंटर में।
यहाँ से हल्का सा इसमें शेप दे देंगे हम। आस्तीन मुझे थोड़ी खुली रखनी है तो मैं ज़्यादा कटिंग नहीं कर रही हूँ, बस 1 इंच कटिंग करूँगी इसकी। और आस्तीन की जो चौड़ाई है वो मेरी 9 इंच तक तैयार है। अब देखिए मेरी कटिंग तैयार है। ये मेरा बैग है, ये फ्रंट साइड है और ये स्लीव्स है। और ये पट्टी जो है मैं इसको नेक के लिए यूज़ करूँगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए इसके अंदर बैग का कोई कटिंग, बैग की कोई कटिंग नहीं हुई थी गले की। अब इसको शोल्डर को हमें ज्वाइन करना है। दोनों शोल्डर को मैं ज्वाइन करूँगी इस तरह सिलाई करके। देखिए ये जो बैग वाला गला है इसको इस तरह मिलाते हुए मैं यहाँ से सेंटर में एक कट लगाऊंगी। ये जो हमारी बॉर्डर की पट्टी साइड में से निकली थी इसी को हमें इसमें यूज़ करना है। तो मैंने इस्त्री करके इस तरह इसको डबल कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह नापूंगी 1 इंच अंदर रखते हुए बढ़ाते हुए। ला के ऐसे तन किया इसको और यहाँ तक का हमने नाप लिया जो हमारा सेंटर आया। अब इसी को हम डबल कर लेंगे तो ये तकरीबन हमारी पट्टी पूरी आ जाएगी। तो हम इसको यूँ सेंटर रखते हुए पट्टी में यहाँ पे हम सेंटर पे निशान लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे मैंने कट लगाया और इस पट्टी को जो मैंने सेंटर में कट लगाया है इसको मैं यहाँ रखूँगी। ये जो मैंने बैग पे निशान लगाया था अब मैं इसको यहाँ पे नप कर दूँगी। अब मैं इसको यहाँ से सीऊँगी, मैं इसको पूरा सिलाई लगा लूँगी। अब इसको यहाँ से सीएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आएगा जब हमारा शोल्डर के पास आएंगे हम तो यहाँ पे मैं एक कपड़े को यहाँ कट लगा के इस तरह अलग कर लूँगी। ये फिर मुझे अंदर दबाना होगा, ये आगे आपकी खुद ही समझ में आ जाएगी। हम इसको इस तरह पकड़ के पहले सीधा करके देखेंगे और फिर इसके बराबर इसको हम दोबारा यहाँ से सीना शुरू कर देंगे। जहाँ पे हमने अपना वी किया है गले को अब यहाँ पे लाके हम इसको फिर इस तरह घुमा के शेप दे देंगे। इसको पट्टी को इस तरह हल्का सा घुमा देंगे। ये देखें इस तरह पट्टी सीने के बाद इस तरह हमारा कुछ शेप आएगा। अभी हम तैयार करके आपको दिखाते हैं। और ये जो मैंने छुड़वाया था ये एक पट्टी, इसको हम इस तरह करके इस पर टर्न कर देंगे तो ये हमारी ये सिलाई भी छुप जाएगी। तो पहले हम इसको सिलाई लगा लेते हैं, यहाँ कट लगा लें। देखिए हल्का सा यहाँ कट लगा लें वी की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी मैं। यहाँ सिलाई को मिलाते हुए मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। अब यहाँ से देखें जितना मुझे नेक पहनना है इतना मैं सिलाई लगा के इसको बंद कर दूंगी। जहाँ तक मुझे नेक रखनी है तो मैं यहीं तक ही रखूँगी ताकि ये सर में भी आराम से चल जाए। अब देखिए हमारा गला तैयार है। अब मैं इसकी फिटिंग करूंगी।
तरह घुमाते हुए सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब देखिए ये आस्तीन में मैं आगे यहाँ बॉर्डर लगा रही हूँ, जिससे लेंथ भी बढ़ जाएगी हमारी और अच्छी लुक भी आ जाएगी। अभी दूसरी आस्तीन में भी इसी तरह लगाऊंगी मैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरह रखूंगी और ऐसे सिलाई लगा दूंगी इसमें। अभी देखिए कमीज के साथ मैं आस्तीन को ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए ये शर्ट तैयार है और अब मैं इसके अंदर नीचे बॉर्डर लगाऊंगी, फिर उसके चाक बना दूंगी। देखिए मैंने दामन पे ये बॉर्डर लगा लिया है, अब मैं इसकी चाप बनाऊंगी। देखिए ये शर्ट तैयार है।